कि जौन छिपा में खाता रह वही में छेद करता रह। चार दिन के आए चार गाना गाइए, एक गाना दो गाना हिट हो जाए, अपने आप को भगवान बना लीजिए। चार गाना हिट नहीं हो गया, एक दूसरे को गाली दे दिए, एक दूसरे को लाइव में आके मौका पे चौका मार लिए तो बहुत बड़े स्टार हो गए। गाना गा के बहुत बड़े सुपरस्टार नहीं बन गए, अचानक से बिल से बाहर आके पटर 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 सबका चालू हो गया। भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाओ, अपने आप को ना बहुत बड़ा ज्ञाता मत बनाओ। गाना नहीं गाए भगवान ही बन गए, पूरा इंडस्ट्री यही चला रहे हैं। तलवा चाटने वाले जितने चमचा है ना, हेलो एवरीवन, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आ रहे हैं लोग बारी बारी से, सबका स्वागत है। आफ्टर सो लॉन्ग आई एम कमिंग लाइव। और भोजपुरी में एगो कहावत ना, एगो शेर कहल चाहतनी, आपस में भेद करता रहा, अपन घर में सेंध करता रहा। अरे मूर्ख तहनी के बुझात नहीं खे कि जौन छिपा में खाता रहा वही में छेद करता रहा। आपस में ही विवाद, आपस में ही लाइव 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 लाइव, कितना लाइव कितना लाइव, क्या कर रहे हैं आप लोग? मौका पे चौका मारने का आदत हो गया है, हैं? क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं आप लोग, क्या साबित करना चाह रहे हैं? भोजपुरी की सभ्यता और भोजपुरी की सम्मान की बात करते हैं आप लोग, हाँ? कौन से सम्मान की बात करते हैं आप लोग? यहां का सबसे बड़ा दुर्भाग्य एक ही चीज है, वो ये है कि चार दिन के आए चार गाना गाइए, एक गाना दो गाना हिट हो जाए, अपने आप को भगवान बना लीजिए, और भगवान बन जाने के बाद किसी को कुछ समझिए ही मत। स्टारडम पचाना सबके बस की बात नहीं है। स्टारडम अगर पचाना किसी से सीखना चाहते हैं तो जाके पहले रवि किशन जी से सीखिए, और सीखना चाहते हैं तो जाके पहले मनोज तिवारी जी से सीखिए, ठीक है ना, कि स्टारडम क्या होता है। और एक बात बता दूं कि अभी उन लोगों का समय गया नहीं है, स्टिल दे आर वर्किंग, अभी भी वो लोग काम कर रहे हैं अपने बलबूते, और ना सिर्फ भोजपुरी में, ना सिर्फ पूरे भारतवर्ष में, पूरे वर्ल्ड में लोग उन्हें जानते हैं। आज बड़े फक्र के साथ रवि किशन जी हर जगह रिप्रेजेंट करते हैं भोजपुरी को। किस लेवल पे हैं, जाके पहले सीखो, पहले देखो। चार गाना हिट नहीं हो गया, एक दूसरे को गाली दे दिए, एक दूसरे को लाइव में आके मौका पे चौका मार लिए तो बहुत बड़े स्टार हो गए, हैं? कौन से स्टार हो गए भाई? अपने आप को स्टार कहते हैं। सीखिए, पहले सीखिए, बड़े सम्मान पूर्वक जाके पहले एक 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 फिल्म देखिए, एक एक वेब सीरीज देखिए। जिस तरीके से भोजपुरी के लिए, उसके सम्मान के लिए लड़ते हैं मनोज जी, रवि किशन जी, जिस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले वो सीखिए, तब जाके अपना ना लोला बजाइएगा, जो बजाते हैं ना चार दिन के, कुछ भी तो भोजपुरी ई हो गई, तब भोजपुरी के ऊ हो गई, तब भोजपुरी के, अरे यार सीखो ना पहले। गाना गा के बहुत बड़े सुपरस्टार नहीं बन गए, बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है।
एक दूसरे को गाली, एक दूसरे को ये, एक दूसरे इंडस्ट्री से जाके सीखो, पहले दूसरे इंडस्ट्री से जाके सीखो कि किस तरीके से एक दूसरे को लोग सपोर्ट करते हैं। एक किसी का गाना आता है तो पूरी इंडस्ट्री जुट जाती है उसको सपोर्ट करने के लिए। ये नहीं कि एक किसी का गाना आ रहा है तो सामने उसको छोड़ दो, ए भाई प्रतिद्वंदी है तो गाना ओकर ना, गाना ना पकड़ी, एकर गाना बात चल जाए। ये सोच से उभरिए ना, बाहर आइए ना, बाहर आइए। आज एक कंट्रोवर्सी लेके सबके सब, जितने जो बरसाती मेढक हैं, जो बिल में घुसे हुए थे कल तक, वो सारे बिल से बाहर आ चुके हैं, सारे बिल से बाहर आ गए हैं। तो बरसात का सीजन हमेशा ना रहला भैया, आज है कल चल जाए, ठीक बा? आपन आपन फायदा मत उठावा लोग, हर जगह फायदा मत उठाइए, पहले सीखिए, समझिए। और जितने भी लोग हैं, जितने आज तथाकथित गुणी जन हैं हमारे इंडस्ट्री के, उनको मैं नमन करती हूँ। जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं बहुत शून्य हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ आप लोगों के सामने। जितने भी कलाकार हैं, मैं सबको कहती हूँ कि एक समय वो भी था जहाँ एक लड़की को बेआबरू करने के लिए सबके सब लग गए थे। एक टुटपुंजिया कलाकार जिसने गाना गाया था बंद कमरे में, वो वीडियो वायरल हुआ था, तब कहाँ थे? तब आपके भोजपुरी का संस्कार लेके कहाँ थे? तब आपके भोजपुरी का वजूद लेके कहाँ थे आप लोग? मैं अब भी, मैं अगर मैं कहीं जाऊं, मैं बिग बॉस गई या मैं कहीं भी जाऊं, मैं अपने भोजपुरी का सम्मान करती हूं, मैं भोजपुरी के लिए बोलती हूं। बेशक हमारी बातचीत ना हो, बेशक मेरा कोई साथ नहीं दिया आज तक, लेकिन फिर भी मैं इस बात को कहीं बताती नहीं। तब भी मैं एक ही बात कहती हूं कि भोजपुरी हमारा बड़ा है, भोजपुरी बड़ा है, भोजपुरी के लिए लड़ती हूं। है? कहां थे आप लोग? तब माँ बहन बेटी, ये जो बड़े बड़े जो वेद के ज्ञाता पाठ पढ़ाते हैं, कहां थे? सब कहां चले गए थे? सिर्फ बात करने आता है लाइव आके, खाली बात करने आता है, वो भी देख रहे हो कि जहां पल रहा भाड़ी है वहां घुस जाओ। वाह जियो शेर, क्या कलाकार हैं आप लोग, बड़ा नाम रोशन कर रहे हैं, वाह क्या बात है। मैं तो एक बात कहती हूं कि मैं जिस जमीन पे रहती हूं, उस जमीन को क्यों नहीं छोड़ देते हो? जिस हवा से सांस लेती हूं, उस हवा को छोड़ के क्यों नहीं तुम लोग चले जाते हो? मैं जिस शहर में रहती हूं, उस शहर को छोड़ के क्यों नहीं चले जाते हो तुम लोग? आज किसी एक कलाकार ने काम कर लिया साथ में तो बहुत दिक्कत हो गई। जिसके साथ भी कार्य मंत्रण होती है वहां दिक्कत हो जाती है, वहां दुश्मनी हो जाती है, वहां प्रॉब्लम हो जाती है। अचानक से बिल से बाहर आके पटर 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 सबका चालू हो गया, सब चालू हो गए। ऐसे कोई नहीं आता था। स्टार्ट किसने किया? कौन भगवान बना पहले? आप लोग तो मुद्दा बनाते हैं, आप लोग ऐसे मुद्दा बना के आप लोग देखते हैं कि कहां पे अपना फायदा हो जाएगा। नो, दिस इज रियली वेरी वेरी बुलशिट। एक क्या मैं बोलूं, आप लोग जो कर रहे हैं वो मतलब अलग ही लेवल पे, अलग ही कॉन्टेक्स्ट। बात चल रही है इधर की, चले जाएंगे इधर, किधर फायदा हो रहा है भैया, उधर चले जाएं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वीडियो वायरल हुआ था, कहां थे उस समय? कहां थे? बहुत लगाव है भोजपुरी से, उस समय भोजपुरी का बदनामी नहीं हो रहा था,
उस समय किसी की माँ बहन बेटी की बदनामी नहीं हो रही थी, उस समय आप लोगों की इज्जत नहीं जा रही थी। कहाँ थी वो इज्जत? यू आर राइट अक्षरा जी, बोलना पड़ता है, कभी कभी बोलना पड़ता है, एक्सट्रीम एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं। समझते क्या है आप लोग अपने आप को भाई, क्या समझते हैं अपने आप को? सबके सब इतना है ना, तो एक दूसरे को सपोर्ट करो, भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाओ, अपने आप को ना बहुत बड़ा ज्ञाता मत बनाओ, अपने आप को सुपरस्टार मत बनाओ, सीखो पहले जाके, रवि किशन जी से सीखिए, जाइए मनोज जी से सीखिए। धरातल पे रहना किसको बोलते हैं पहले सीखिए। गाना नहीं गाए भगवान ही बन गए, पूरा इंडस्ट्री यही चला रहे हैं, सब इंडस्ट्री चलाने वाले पैदा हो गए हैं। क्रंदन के वक्त कहां थे हैं? तड़पन के वक्त कहां थे? किसी स्टार के तलवा चाटने वाले जितने चमचा है ना, उन चमचा से पूछ रहे हैं कि एक अबला का चीरहरण जब हो रहा था तब कहां थे? कहां थे जरा जवाब दे दीजिएगा हमको। और फरियाना है ना, तो आइए हमसे जरा बात कर लीजिएगा एक बार, एक एक करके सब सबसे बात करने के लिए तैयार हूं मैं, एक एक करके बात करूंगी, बात करिएगा जरा। और लाइव आके मत बात करिए, लाइव आके ना, हिम्मत है तो सामने आके बात करना, एक एक को जवाब दूंगी, हिम्मत है ना तो सामने आके बात करना, अपना अपना फायदा उठा के और लाइव आके एक दूसरे को दोषारोपण करके मत करना, ठीक है ना? मेरा किसी ने साथ नहीं दिया है, एक आदमी ने साथ नहीं दिया है, मैंने अपने मेहनत के दम पे अपने बदौलत अपना नाम बनाया है, लेकिन फिर भी नहीं बोलती हूँ मेरा बहुत बड़ा नाम है, मैं बहुत बड़ी स्टार हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, आई एम वर्किंग हार्ड फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई भोजपुरी इंडस्ट्री। बनिए पहले कुछ, पहले कुछ बनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा, ठीक है ना? लाइव आके पटर पटर करने से नहीं होता है, आइए जवाब दीजिए। और एकता दिखाना है ना, तो तब भी खड़ा होना चाहिए था, एकता तब भी दिखाते आप लोग जब कोई नहीं था। और भोजपुरी की बात करनी है तो सब आइए ना, सब एक साथ आइए, और हर एक वक्त पे साथ आइए तो मानूंगी आप लोग भोजपुरी के कलाकार हैं, अदरवाइज बिल्कुल नहीं जानती आप लोगों को मैं कलाकार, और ना मानती हूं, कलाकार इसको नहीं बोलते हैं। अगेन आई एम टेलिंग दिस, नया नया भेंट कर ली, हकर हकर पेट कर ली, चार दिन का कुछ सीख नहीं लिए, कुछ बोल नहीं दिए कि बाप रे बाप, कितना में है भैया, कहां चले गए भैया? बाकी किसी को तो कुछ समझते ही, तो रवि किशन जी के मतलब, इन लोग जब ये लोग सुपरस्टार हैं, इन लोगों मतलब सीखना चाहिए इन लोगों से यार, जिस लेवल पे हैं, जिस तरीके से बिहेव करते हैं, उनके बिहेवियर से ही पता चलता है कि इज अ सुपरस्टार। वन शुड लर्न दिस, सीखना चाहिए, सीखिए, पैर का धूल तो बनिए नहीं पाइएगा आप लोग, उनके पैर का धूल तो बनिए नहीं पाइएगा, ओपनली कह रही हूं मैं, ओपनली आई एम टेलिंग दिस। सीखो पहले, उपलब्धि को पचाना सीखो, पहले पचाना सीखो तो जाके आगे बढ़ोगे और अपनी इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ाओगे, जैसे और जितनी भी इंडस्ट्री है वो सब एक दूसरे को पुश करके इंडस्ट्री बढ़ा रहे हैं,
छिया लेदर नहीं कर रहे हैं आपस में, ओकर टांग खींच दा तो, ओकर टांग खींच दा तो, लड़की चढ़ा तड़ी तो लड़की के उतार दा है नीचे। सीखिए, नमस्ते।